नमस्कार दोस्तों, राइजिंग इंडिया न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप आगे देख सकते हो कि कैसे इंटरनेशनल मीडिया में भारत और पाकिस्तान के बारे में कौन सी न्यूज चल रही है, जबकि पाकिस्तान के बारे में हमेशा नेगेटिव न्यूज ही चलती है। जैसे कि पाकिस्तान का फॉरेन रिजर्व $10 बिलियन से भी नीचे आ गया। उस $10 बिलियन में भी बहुत सारे देशों का पैसा लगा हुआ है। पाकिस्तान के पास 2 महीने के ही क्रेडिट लाइन बचे हैं। अगर क्रेडिट लाइन खत्म हुई तो उनका इम्पोर्ट भी बंद हो जाएगा। जहां पर पाकिस्तान के पास पैसे नहीं रहे पेट्रोल खरीदने के लिए, तो उनकी सारी की सारी फैक्ट्रियां भी साथ में ही बंद हो जाएगी। पूरे देश का साइकिल उसके साथ ही बंद हो जाएगा, जहां पर इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट भी पूरी की पूरी तरह ठप हो जाएगा। देश में भुखमरी आ जाएगी और पूरा का पूरा देश बैंकरप्ट घोषित हो जाएगा। यहाँ पर भारत की बात है, भारत क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ते जा रहा है और सिंगापुर की एक बैंक भारत में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है और इस साल राइस का प्रोडक्शन भारत में बहुत ही अच्छे प्रमाण में होगा। ये सब न्यूज़ इंटरनेशनल मीडिया में चल रही है भारत के बारे में। तो क्या पाकिस्तान भारत के साथ तुलना करने से पहले ये सब न्यूज़ नहीं पढ़ता? वीडियो बहुत ही अच्छी बनी है, ऐसी वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और आपकी राय देना बिल्कुल भी ना भूले कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद। पाकिस्तान के बारे में कौन सी खबरें हैं जो इस वक्त आ रही हैं और हमारी लीडरशिप क्या कर रही है? जारी बात है, तनकीद करना बहुत आसान होता है और जारी बात है हमारा काम जो है वो जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करना है, ना कि हम लोग कोई क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म करना चाहते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैं पाकिस्तान के बारे में कुछ खबरें देख रहा था और फिर मैंने इंडिया को भी सर्च किया कि उनके बारे में कौन सी खबरें हैं जो कि मार्केट में हैं। और सारी बात है, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर कहीं बाहर जाता हूँ या कोई दोस्त बाहर जाता है या कोई शख्स बाहर जाता है, तो वो पहले उस मुल्क के बारे में थोड़ा सर्च करता है कि यहाँ पे क्या कंडीशन है। तो हमारी कंडीशन क्या है जब कोई बंदा वहाँ पे, जो फॉर एग्जाम्पल कोई वॉशिंगटन से आएगा, न्यूयॉर्क से आएगा, कोई लंदन से आएगा, कोई पेरिस से आएगा। वैसे तो आजकल यहाँ से लोगों ने आना बंद किया हुआ पाकिस्तान, लेकिन जो आते हैं वो देखते हैं पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें वो क्या खबरें देखते हैं और इंडिया की क्या खबरें देखते हैं। मैं आपको अभी थोड़ा सा एक कंपैरेटिव एनालिसिस देता हूँ। जब मैंने टाइप किया पाकिस्तान के, जो सबसे पहले खबर पाकिस्तान की आई वो मार्केट्स के वाले थी कि जो पाकिस्तान के जो फॉरेक्स जो एक्सचेंज रिजर्व हैं, पाकिस्तान के जो फॉरेक्स रिजर्व हैं वो $10 अरब से भी कम हो गए हैं और पाकिस्तान के पास जो स्टॉक पाइल है वो बहुत कम हो गया है और तकरीबन 2 महीने की इम्पोर्ट्स रह गई हैं। अच्छा, ये चीजें सारी बात आम आदमी को तो नहीं पता क्या और किस तरह चीज कर रहा है। अभी पोजीशन यह है कि जी IMF जो है वो डील हमें क्या देगी, मैं जस्ट आपको ये पहली खबर बता रहा हूँ। फिर दूसरी खबर ये आती है जी कि फ्यूल क्रंच रिस्क फैक्ट्री क्लोजर, यानी कि अगर पैसे ना हुए और वो नहीं आएगा, तेल नहीं आएगा, तो फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी और पाकिस्तान के बिजनेस सेंटर बंद हो जाएंगे। पाकिस्तान की जो कमर्शियल कैपिटल है, यानी कि पाकिस्तान एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा, फैक्ट्रियों बंद होगी तो रोजगार बंद होगा, फैक्ट्रियां बंद होंगी तो मुल्क जो है मोशत का साइकिल बंद हो जाएगा, बिजली के बिल नहीं बनेंगे, लोगों के घर चूल्हे बंद हो जाएंगे। ये सेकेंड खबर है, ये ब्लूमबर्ग दे रहे हैं और हमारे लोग जो है ये ब्लूमबर्ग दे रहे हैं और हमारे लोग अक्सर ब्लूमबर्ग को बड़ा कवर करते हैं बिकॉज ब्लूमबर्ग अक्सर मार्केट्स की और इकोनॉमी की। और तीसरी खबर देखें, और ये मैं आपको डे भी बता सकते हो, 3 जून 2 जून 2 जून, ठीक है। और तीसरी खबर जो कॉन्टिन्यूसली आ रही है वो जी जो मूडीज है, जो बेसिकली क्रेडिट रेटिंग को सेट करता है, उन्होंने पाकिस्तान का जो है उनको, उन्होंने पाकिस्तान की जो ओवरऑल आउटलुक है उसको नेगेटिव कर दिया है क्योंकि IMF ने पैसे नहीं दिए। ये तीसरी खबर है। और इसी तरह ये 2 जून को, यानी कि 2 जून को, जून 2 को दो खबरें दोनों के खिलाफ। फिर पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन है, चौथी खबर आ गई जून के अंदर ही, वो 13.8% पे चली गई है और ये आपकी पोजीशन है कि महंगाई की जो शरह है या जिसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं यहाँ पे, या इसको उर्दू में मुझे एग्जैक्ट वर्ड नहीं आ रहा उसका, वो जो है वो 13.8 यानी कि डबल डिजिट फिगर आपकी इन्फ्लेशन है। तो अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि पाकिस्तान की क्या कंडीशन है। देन आ जाए जी फाइनेंसिंग रूल्स। अब पाकिस्तान को कहीं से पैसा नहीं आ रहा, ये मई की खबरें हैं। ये थोड़े ये मैं आपको सिर्फ 8-10 खबरें सुना रहा हूँ। Where you will come to know that how the world sees Pakistan. अब जी पाकिस्तान को कहीं से पैसा नहीं मिल रहा, पैसे की कदर कम हो रही है और पाकिस्तान का जो पैसे की कदर है वो पिछले दो साल में सबसे कम अभी हुई है। This is what the Bloomberg is saying.
देन फिर जी खबर आती है जी पाकिस्तान जो है ना वो प्लान कर रहा है कि हम एक लॉन्ग टर्म एलएनजी डील साइन करेंगे, और अभी पता चला है कि जी इमरान खान जो है वो महंगी गैस की डील साइन कर रहे थे दूसरी हुकूमत पहले, ये आपस में इन्होंने आंखम चोली की होती है और आवाम को कुछ भी जो है वो समझ नहीं इसकी आ रही होती। आगे फिर वो कह रहा है जी कि पाकिस्तान ये कहता है कि सऊदी अरब और दुबई हमें पैसे नहीं देंगे विदाउट द आईएमएफ डील, यानी कि ये पाकिस्तान का एक लेवल है, दिस इज व्हाट पाकिस्तान लेवल इज, हमारे जिसको हम कहते हैं ना हमारे इस्लामिक ब्रदर, बड़े मुस्लिम ब्रदर। और आजकल ये नूपुर शर्मा का वाकया हुआ है तो हम पाकिस्तान में बड़े लोग खुश हैं कि ये सारी मुस्लिम दुनिया इंडिया से नाराज हो रही है। मेरा नहीं ख्याल ये कोई लंबे अरसे तक चलेगा, ये 24 घंटे 36 घंटे इसकी टोटल शेल्फ लाइफ है और उसके बाद चीजें नॉर्मल हो जाएंगी और इंडिया एंड द वर्ल्ड विल ऑलवेज बी द सेम और मिडल ईस्ट भी वो एक सेम रहेगा। लेकिन ये कोई इससे तो नहीं, ये उन्होंने कोई ये तो नहीं करना कि उन्होंने अपने ताल्लुकात ही खराब कर लेने मिडल ईस्ट ममालिक के साथ, ऐसा तो नहीं कोई भी करता। ये सिर्फ मोटी मोटी अगर मैं आपको ये खबरें मैं बता रहा हूँ कि ये पाकिस्तान जो है वो ये खबरें हैं पाकिस्तान के बारे में। और जी फ्यूल प्राइसेस बढ़ गई हैं पाकिस्तान में और इस तरह की चीजें हो गई हैं जब, और दूसरा ये है कि एक खबर मैं देख रहा हूँ थोड़ी मई में ही है जी कि पाकिस्तान जो है वो उसको 6.4 बिलियन की फॉरेन डायरेक्ट जो है वो देने हैं। और अब ये है पाकिस्तान की खबर, दिस इज व्हाट द वर्ल्ड इज टॉकिंग, दिस इज व्हाट द वर्ल्ड इज सेइंग अबाउट पाकिस्तान। ठीक है जी कि पाकिस्तान के पास $10 बिलियन से कम के रिजर्व्स रह चुके हैं, पाकिस्तान का जो टोटल ट्रेड डेफिसिट है वो $45 बिलियन से भी कम हो चुका है जी, $45 बिलियन जो है वो उससे उसके उस तक फैल जाएगा। और फिर ये है कि जी बजट डेफिसिट बहुत ज्यादा होगा अगली दफा। ये खबरें हैं पाकिस्तान में जी, हमने लग्जरी आइटम्स बंद कर दी, $2.3 बिलियन का जो डिपॉजिट था चाइनीज बैंक्स का वो उन्होंने मेरा ख्याल है रोल ओवर कर दिया क्योंकि हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब वहां गए हुए थे। अब एक वक्त था कि हम जाके दूसरे मुल्कों में कह देते कश्मीर का मसला हल करो, ये करो वो करो, इंडिया के साथ मसला ये है। आज का पाकिस्तान का मसला ये है कि जैसे ही हम दूसरे मुल्क जाते हैं तो कहते हैं वो हमारा जो $2 अरब या $1 अरब या $3 अरब काइंडली वो हमारे डिपॉजिट में रखें क्योंकि हमारे फॉरन एक्सचेंज रिजर्व कम हो जाएंगे। और ये जो $10 बिलियन पड़ा हुआ है ये भी दूसरे मुल्कों का पड़ा, ये भी पाकिस्तान का अपना नहीं है, इसमें सऊदी अरब का पैसा है, चाइनीज का पैसा है, अमरातीस का पैसा है, अपना तो पैसे कोई नहीं इसमें पड़ा हुआ। और फिर बातें करते हैं जी कि हम लीडर हैं, हमारे जो लीडर हैं वो उम्मा के लीडर हैं, वो उम्मा मतलब पूरी उम्मा के लीडर हैं हम लोग, ठीक है। और उम्मा जब ये इंडिया के मसले पे बोली है तो पाकिस्तानी लीडर्स को पता ही कुछ नहीं था और ये सब सो रहे थे। खैर एनी वो एक डिफरेंट स्टोरी भी है। खैर इंडिया के पे आ जाए तो मैंने इंडिया की भी खबरें देखी तो आपको पता चलेगा कि वे हाउ द वर्ल्ड इज टॉकिंग अबाउट इंडिया। ठीक है जी, अब जो है जी एक सीईओ साहब है नीति आयोग साहब और इंडियन इकोनॉमी, उन्होंने कहा जी क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है। ठीक है जी कि हाँ जी क्लाइमेट चेंज के ऊपर जी एक थिंक टैंक है जो फेडरल गवर्नमेंट को एडवाइस करता है वो इंडिया में क्लीन एनर्जी पे ट्रांजिशन पे बात कर रहे हैं, दिस इज व्हाट द फर्स्ट न्यूज। ठीक है जी, दूसरी ये थी कि जो मिडल ईस्ट जो है वो ऑयल सप्लायर्स है वो कंडेम करते हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बारे में बेहरमती की गई और मोदी पार्टी, दिस इज ऑल्सो द सेकेंड न्यूज, ये 6 जून की खबर है। और जी फिर अगर आप आगे आएंगे जी बॉन्ड यील्ड्स क्लाइम टू 7.5% इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन 3 ईयर्स, अगेन एन इकोनॉमिक गुड न्यूज। इंडिया इज लोअर ग्रीन हाउस हाइड्रोजन कॉस्ट टू स्पर क्लीन एनर्जी यूज, ये भी इंडिया के बारे में खबर है। आप मुझे ये बताएं कि वेयर डज पाकिस्तान स्टैंड के कहीं $1 बिलियन कहीं $2 बिलियन कहीं पे तेल कोई नहीं है, फैक्ट्रियों में तेल नहीं जाएगा और यहाँ पे हाइड्रो क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन की बातें हो रही हैं। ठीक है जी, और जो सिंगापुर का बैंक है वो जी इंडिया इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। अब ये जो चीजें हैं मैं समझता हूँ कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब आगे जाके देखेंगे पता चलेगा जी के वो जो $700 मिलियन का डिस्प्यूट था, वो जो शाओमी एक मोबाइल कंपनी थी चाइना की जिसको इंडिया ने वो फाइन किया था और उसका वो कन्फिस्केट कर लिया था, उसके ऊपर वो डिस्प्यूट में चले गए। अब इंडिया की जो इकोनॉमी है, इंडिया इकोनॉमी एट रिस्क बाय एग्जोडस ऑफ वुमेन फ्रॉम वर्क फोर्स से खवातीन निकल गई हैं, चलो जी ये एक सारी बात है। इंडियन राइस जो फार्मर्स है मेंटेन करेंगे वो नॉर्मल रेन फोरकास्ट, इस तरह की मोटी मोटी खबरें आप देखें कि वहां पे आ रही हैं एंड दिस इज व्हाट द वर्ल्ड इज टॉकिंग अबाउट।